हाय 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 कमोरानी, तुम्हें बहुत ताकत है। लाला जी, दूध में ताकत तो है ही, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। मैंने आपसे कुछ साल पहले 2000 रुपए उधार लिए थे और अब हर महीने आपको 200 रुपए का दूध भी दिए जा रही हूँ। अब तक तो मुझे लगता है मेरा हिसाब पूरा हो जाना चाहिए। कमोरानी, ये जो सूद है ना, तेरे दूध को भारी पड़ गया। सूद जब चढ़ता है ना, ऐसा चढ़ता है कि पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़े बिना उतरता नहीं है। अब मैं तेरे को कैसे समझाऊं? इधर ला, मैं इसको समझाते, जरा खाता दे मेरे को। ये ली। हाँ, ये देख, तूने मुझसे कुछ साल पहले लिए 2000 रुपए, ठीक है? पहले महीने तूने मुझे दिया दूध 200 रुपए का। हाँ। तो 2000 का हो गया 2200 रुपया। उसके एक महीने के बाद तूने मुझे दूध दिया 200 रुपए का, तो हो गया 2400 रुपया। उसके एक महीने के बाद तूने मुझे दूध दिया 200 रुपए का, तो हो गया 2600 रुपया। ऐसे करते करते आज तक पूरे 12000 हो गए हैं। लेकिन लाला, मैंने तुझसे 2000 रुपए लिए थे और मैं हर महीने तुझे 200 रुपए का दूध भी देती आ रही हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये 12000 कैसे हो गए। अरे कमोरानी, तू बड़ी है सयानी। ये साहूकारी है। तू एक काम कर, किसी पढ़े लिखे आदमी को लेकर आ जा। उसको हम हिसाब समझा देंगे, वो तेरे को समझा देगा, बात खत्म। लाला, डाकू तो अमीरों को लूटते हैं, लेकिन तू तो डाकुओं का भी डाकू है। वो कैसे? अरे तू तो गरीबों को लूटता है, गरीबों का खून चूसता है तू। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, जिस दिन मैं किसी पढ़े लिखे आदमी को लेकर आ गई ना, तो पूरा सूद समेत वसूल करूंगी। कमो रानी, जरा मेरी नजरों से देख, तू क्या कम पढ़ी लिखी है। लाला, तुम गरीब लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हो? शर्मानी चाहिए तुम्हें। लेकिन एक बात याद रखना, कम्मो से कभी कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस दिन भी कम्मो की खोपड़ी घूम गई ना, भगवान कसम, उस दिन तेरी नाक में नकेल डालकर तुझे गधा ना बनाया तो मेरा नाम भी कम्मो नहीं। हाय 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 हाय, कम्मो रानी गुस्से में भी कितनी कसक है रे। लेकिन सरकार, ये आपके बेडरूम में आने वाली नहीं है। आएगी, जरूर आएगी। सर जी, चाय। ये क्या, ये तो बहुत मीठी है, बहुत शक्कर डाली क्या? शक्कर तो डाली ही नहीं। हाय 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 मधुबाला, इसका मतलब ये हो कि तेरे हाथों में इतनी मिठास है, इसको छूते ही इतनी मीठी हो गई। अरे बिल्कुल करिश्मा जैसी चलती है। सरकार, क्या चाल है, क्या चलती है। हाय 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 हाय, कई काम से। बस बस बस, शाबाश। दीपू, दीपू, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि बीच रास्ते पर अपनी गाड़ी खड़ी मत किया कर। तुझे क्या मालगाड़ी गुजारनी है यहाँ से? मैं तुझे क्या मालगाड़ी से कम नजर आती हूँ? दिखता नहीं कितना बोझा उठा है। ए, ज़्यादा क्रिकेट मत कर, एक झापड़ दूंगा, नानी याद आ जाएगी। नानी तो तुझे मैं अब याद दिलाऊंगी। सीधी जाती हूँ तेरे घर और तेरी बीवी को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी कि तुझे घर जाते ही मुर्गा ना बनाया तो मेरा नाम भी कम हो नहीं। हाँ। ए, जाजा जो करना है कर ले, मेरी बीवी तेरी तरह पागल नहीं है जो तेरी बातों में आ जाए। देख लूंगी, मेरा नाम भी कम्मो है। ए मुंशी काका। हाँ? जल्दी से हमारी घोड़ा गाड़ी पे सामान रखवा दो, देरी हो गई है। अरे तुम्हें तो रोज देरी होती है, हमारे पास भी बैठ जाओ। बैठो। लो बैठ गए काका, बैठ गए। तू मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहा है, जल्दी से जा दीपू की गाड़ी में माल भर दे जा। अरे दीपू। हाँ? तुमको कितनी बार बोला कि कम्मो से मत झगड़ा किया कर। काका, तुम तो जानते हो ना, ये सुबह सुबह हमारे घर में दूध देने आती है। हाँ? इसीलिए हम सुबह सुबह घर से निकल आते हैं, कहीं से टकराव ना हो जाए। हाँ? मगर क्या करें काका, हमारे नसीब ही कुछ फूटे हैं, ये साली कहीं ना कहीं हमसे टकरा ही जाती है, मनुष्य कहीं की। अच्छा तू कुछ भी कह ले, लेकिन कम्मो दिल की है बहुत अच्छी। अरे कितनी अच्छी है ये, हमसे पूछो काका, हमसे, जिसका सारा दिन आज कला कलेश में ही गुजरेगा। अच्छा यार तुम छोड़ो इसकी बात, हमारी भाभी का क्या हाल है? उसका हाल तो तब ठीक होगा काका,
जिस दिन हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा। अरे ओ शन्नो, क्या कर रही है तू? अरे कम्मू, आओ आओ बैठ। आज तेरा इस तरफ कैसे आना हुआ? मैं इधर से निकल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुझसे मिलती जाऊं, और मैंने आज तुझसे कुछ बात करनी है शन्नो। अरे ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है, बता ना। देख शन्नो, मेरी हिम्मत नहीं होती तुझे बताने की, जाने दे, बाद में बताऊंगी। अरे बता ना, बता ना, ऐसी भी क्या बात है? ठीक है, अगर तू इतनी जिद करती है तो बताए देती हूँ, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है तुझसे कैसे बात करूँ। लेकिन क्या करूँ, तू मेरी इतनी अच्छी सहेली है, तेरा घर उजड़ता भी नहीं देख सकती मैं। देख शन्नो, अपने मर्द पर ज्यादा भरोसा ना रख। पता है आज दीपू ने क्या किया? आज वो एक लड़की के साथ ऐसे बातें कर रहा था, ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि लैला मजनू हो। पहले तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके उससे पूछूं, फिर मैंने सोचा पराए मर्दों के मुंह लगने से क्या फायदा, क्यों ना जाके तुझसे ही बताऊं। देख शन्नो, मेरा काम था तुझे बताना, मैं तेरी गृहस्थी उजड़ते देख तो नहीं सकती ना। लगता है आज फिर तेरा दीपू से झगड़ा हो गया है। मेरा काम था तुझे बताना, आगे तेरी मर्जी। वैसे जो कम्मो की बात नहीं मानता है ना, बाद में बहुत पछताता है। मुझे अपने दीपू पे पूरा भरोसा है, तू जा और दूध दे, गांव वालों के बच्चे तेरी जान को रोते होंगे। मैं चली, तू जान, तेरा काम जाने, आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। इसकी तो मिर्च मसाला लगाने की आदत ही नहीं गई। चौधरी साहब, आपके जन्म पत्र के मुताबिक यदि आपको औलाद चाहिए तो दूसरी शादी करनी होगी। दूध वाली, दूध ले लो, जल्दी आ। चौधरी साहब, कुछ नहीं, ऐसे सोच रहा हूं। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूं। हाँ, आप चलिए। चौधरी जी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा था कि बच्चों के बिना घर कैसे सुना सुना लगता है। अजी, क्या सुन रहे हो जी? मैं सुन रहा हूँ बेटा ही होगा। अगर हमारे घर में बेटी पैदा हो गई तो हम उसे डॉक्टरानी बनाएंगे, और अगर बेटा हुआ तो हम तुम्हारी तमन्ना के मुताबिक उसे थानेदार ही बनाएंगे। अरे शन्नो, हम गरीब लोगों के बच्चों को कोई पटवारी नहीं बनाता, तो फिर थानेदार कैसे बनाओगी? हम गरीबों के बच्चों को कोई नर्स नहीं बनाता तो डॉक्टराइन कैसे बनाएंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही कर लेंगे। चौधरी साहब, ये मजदूरों को भड़का रहा है कम तनख्वाह के बारे में। अच्छा, तो तू मजदूरों को भड़का कर उनके यूनियन का लीडर बनना चाहता है? नहीं चौधरी साहब। तो गुनगुना रही है कि कोई साथी मिले प्यार का, और जब साथी मिल गया तो दूर भाग रही है। चौधरी, चुपचाप यहाँ से चला जा, अगर कम्मो को गुस्सा आ गया ना तो तेरे 32 के 32 निकाल कर तेरी हथेली पे रख दूंगी। अच्छा, बहुत ताकत है इन हाथों में, चलो आज इन हाथों की ताकत आजमाई लेते। अरे तेरी की कहा तू, चल चल।
नहीं आजा रानी चौधरी अरे छोड़ दे इसे तू चौधरी गांव के मुखिया को बहु बेटियों की रक्षा करनी चाहिए और तू इसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है दीपू तू एक नौकर है और नौकर की हैसियत में रहे नौकर की हैसियत जानते हैं हम चौधरी इसलिए चुप हैं अगर ऐसी हरकत तेरी जगह किसी और ने की होती तो राम कसम हम उस दरिंदे का सर उसके धर से अलग कर देते साला दो टके का नौकर और मेरे सामने कैंची की तरह जबान चलाता मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नहीं दीपू तुझे मेरी कसम पत्थर फेंक दे देख देख कितना फर्क है तेरे और इसके खून में तू इसकी इज्जत का कत्ल करना चाहता था और इसने तुझे मरने से बचा लिया जा भाग जा चौधरी कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रोगों में दौड़ रहे खून की प्यास कब्बों की कसम तोड़ दे भाग जा यहां से चल चल कमा